बहुत से व्यक्ति के ललाट पर आप देखेंगे कि ये त्रिशूल का चिन्ह बना होता है, त्रिशूल का चिन्ह, या बहुत से व्यक्ति का ये धनुष का, जैसे जैसे ये धनुष आपको दिख बता रहे हैं, ऐसे धनुष का चिन्ह अगर मिलेगा किसी भी व्यक्ति को मिलता है। और ऐसा नहीं है कि धनुष को कोई रेखा काटे या नहीं काटे, जैसे कि यहाँ पे अगर शनि का रेखा होगा तो इसको काट भी सकता है, अगर सूर्य का यहाँ पे अगर रेखा बन रहा है, जैसे यहाँ पे बन रहा है, तो इसको काट भी सकता है। अगर ऐसा धनुष धनुष आकार का अगर एक रेखा पूरा बिना कटा हुआ अगर किसी व्यक्ति के मस्तक पर अगर मिलता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही पर्यटनशील होते हैं। वो एक दूसरे एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं आसानी से, और इनका जो भाग्य है वो अपने जन्म स्थान से दूर जाने के बाद ही खुल पाता है, एक चीज देखा गया है। और खूब ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत दयावान होते हैं, इनको अपने लाइफ में पैसे की अहमियत इनकी जिंदगी में नहीं होता है, जितना ये कमाते हैं उससे ज्यादा ये खर्च कर देते हैं। इस स्थिति में कभी कभार इनको कर्ज लेने की भी स्थिति होता है, लेकिन जब भी ये चाहेंगे कि अपने जिंदगी में पैसा कमाएं तो वो अच्छे तरह से कमा के रख भी सकते हैं, ऐसी क्वालिटी ऐसे जातक में देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात इनमें ये होता है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अच्छा मतलब कि वक्ता हो सकते हैं, उनमें कम्युनिकेशन स्किल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, ये बहुत बलवान होते हैं, जिनके आकार में जिनके सिर पे ये धनुष का चिन्ह होता है, और ये बहुत सुंदर भी होते हैं, इनके शरीर का आकार ज्यादातर गोलाकार मिलेगा। हाँ, आगे चलकर ऐसे व्यक्तियों की मोटापा की समस्या हो सकता है, आगे चल के ऐसा नहीं है कि तुरंत ही हो जाएगा, लेकिन आगे चल के ऐसी समस्या देखा गया है। दोस्तों, ये था धनुष, अगर आपके मस्तक पे ये धनुष बनता है तो इसका क्या फल होता है। दोस्तों, अगर आपके मस्तक पर किसी चिन्ह का किसी प्रकार का चिन्ह हो, चाहे वो स्वास्तिक का हो, चाहे वो त्रिशूल का हो, या सांप के आकार का चिन्ह हो, तो उसकी अलग अलग चीज और अलग अलग मतलब होता है। अगर है तो आप नीचे कमेंट में लिखें कि आपके मस्तक पर किस चीज का चिन्ह है। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लें, अगर आप इसको यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं आपको नए वीडियो में, धन्यवाद। आप कर्म करके थक चुके हैं या बुरी से बुरी समस्या में फंसे हुए हैं, जिंदगी की हर समस्या के समाधान के लिए हमारे पंडित जी आपके साथ हैं। अगर आपको अपनी कुंडली, हैंड एनालिसिस या वास्तु की कोई भी समस्या है तो आप कॉल कर सकते हैं। आपसे ली गई राशि हम गरीबों की मदद के लिए आपके सामने लगाते हैं, जो कि चैनल में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।